घर पर एलोवेरा जेल बनाते वक्त हम में से ज्यादातर लोग एक गलती कर जाते हैं और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैंने अपने घर में ये एलोवेरा प्लांट लगवाया हुआ है और जब भी मुझे इसका जेल चाहिए होता है तो मैं फ्रेश लीफ लेकर इसका जेल निकाल लेती हूँ। घर के बने जेल में ना तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर्स, इसलिए मुझे ये अपनी स्किन के लिए ज्यादा सेफ लगता है। लेकिन इस जेल को सावधानी से बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपकी स्किन या बालों का नुकसान भी कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर ये टॉपिक आपके मतलब का है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें, क्योंकि इसे बनाते वक्त आपके हाथ इस्तेमाल होंगे, इसलिए ये जरूरी है कि आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए ताकि जेल बनाते वक्त कोई भी इम्प्योरिटीज इसमें ना जाएं और आपका जेल 5 से 7 दिन तक फ्रेश रहे। अब एलोवेरा प्लांट से एक फ्रेश स्टेम काट लें और बिल्कुल नीचे के भाग से काटें। अब आती है मेन ट्रिक और इसी जगह पर लोग गलती कर जाते हैं। आप देख रहे हैं इसमें से ये येलो कलर का लिक्विड निकल रहा है, इसमें लेटेक्स होता है जिससे स्किन इरिटेशन हो सकती है, तो ये बहुत जरूरी है कि इसे अच्छे से निकालने के बाद ही इस जेल को बनाया जाए। तो इसके लिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। बस इसकी स्टेम को सीधा खड़ा करके रख दें ताकि इसका सारा येलो लिक्विड बाहर निकल जाए। इसे आधे से 1 घंटे तक खड़ा करके रखें और जब आपको लगे कि सारा लिक्विड निकल चुका है उसके बाद ही जेल बनाना शुरू करें। इसके बाद एक तेज धार वाला चाकू लें और इसे छीलना शुरू करें, ये बहुत ही आसानी से छिल जाता है। अब एक चम्मच के साथ इसका जेल निकालना शुरू करें। ये देखिए कितना बढ़िया और एकदम फ्रेश एलोवेरा जेल है। आप सोच रहे होंगे कि बाजार में मिलने वाला जेल का कलर तो अलग होता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल कलर्स मिले होते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल खरीदेंगे तो आपको ऐसा ही ट्रांसपेरेंट जेल मिलेगा। अब आप चाहें तो इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर इसे स्टोर करना चाहें तो इसमें 2 कैप्सूल विटामिन ई के डाल दें। ये कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। ये इसमें प्रिजर्वेटिव का काम भी करते हैं और इससे इसके फायदे भी बढ़ जाते हैं। अब एक मिक्सर या किसी ग्राइंडिंग जार में इसको मिक्स कर लें। बस 1 मिनट के लिए ही मिक्सर चलाना है और हमारा फ्रेश एलोवेरा जेल तैयार है। अब इसे एक कांच के बर्तन में डाल लेंगे और स्टोर करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये 5 से 7 दिन तक आराम से चल जाएगा। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उन्हें एलोवेरा का जूस रेगुलरली लेना चाहिए। जिनके बाल ज्यादा झड़ते हैं या 2 मोहे बालों का प्रॉब्लम है उन्हें एलोवेरा जेल का मास्क बनाकर बालों में लगाना चाहिए। जिन्हें पिंपल्स या एक्ने बहुत ज्यादा रहते हैं वो भी एलोवेरा जेल से अपनी सभी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। अगर रसोई में काम करते हुए आपका हाथ जल जाए तो भी इसका जेल लगाने से वो आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो जब एलोवेरा जेल के इतने फायदे हैं तो क्यों ना इसे हमेशा अपने घर में तैयार रखा जाए। ऐसे और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स के लिए ज्वाइन करें मेरा फेसबुक पेज फिटनेस 365 डेज। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर एलोवेरा जेल से जुड़ी कोई और जानकारी भी हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहें तो भी कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें।